सांसद राजकुमार सैनी की सांपला में रैली में बहादुरगढ़ में पहुंचने पर कार्यकर्ता ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। पेश करते हैं आज की खबर। बहादुरगढ़ शहर में रविवार को सांसद राजकुमार सैनी की सांपला में रैली के लिए बहादुरगढ़ से पार्षद जसबीर सैनी व मुकेश सैनी एडवोकेट अपनी टीम के साथ दलबल से पहुंचे। मुकेश सैनी एडवोकेट ने कहा कि अब भी लोग अगर चुप रहे तो आने वाले समय में प्रदेश गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। किसी को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार होगा न ही वोट डालने का। जो लोग आज सांसद राजकुमार सैनी के आने का विरोध कर रहे हैं वो बताए कि प्रदेश उनकी जागीर है। जो वो कहेंगे वही होगा। अब समय है इस अन्याय व दबंगता के खिलाफ खड़े होने का। इलाज प्रदेश की वर्तमान सरकार में आम आदमी सुरक्षित नहीं है और जो आदमी गरीबों की आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सैनी ने कहा कि यदि ऐसा ही माहौल बना रहा तो इस प्रदेश में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला राज होगा। इसलिए आज आदर्श समाज को अपनी ताकत समझने की जरूरत है। यदि अब की बार भी चुके तो कोई आने वाले समय में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। पार्षद जसबीर सैनी की टीम ने सांसद राजकुमार सैनी का बहादुरगढ़ आगमन पर स्वागत किया। युवा अध्यक्ष आकाश ने सांसद को विश्वास दिलाया कि पूरा युवा वर्ग आपके साथ है। अपने हकों की लड़ाई के लिए हम किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। वही युवा कार्यकारी अध्यक्ष राजपाल सैनी ने भी सांसद का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर रूपचंद ठेकेदार आकाश युवा अध्यक्ष समाज के प्रधान शेखर सैनी रोहित युवा सचिव परवीन सचिव जय किशन विजेंद्र राकेश सत्यनारायण कृष्ण कुमार बाइक से काफले के साथ यहाँ लेके आ रहे हैं और हम भी उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। 2019 के अंदर एक खुले हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रसन्न रहेगा राजकुमार सैनी जिसको लोग इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के जो इस प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी तानाशाही एक जाति विशेष के लोग जो कर रहे हैं उसका सीधा जवाब प्रदेश की जनता 2019 के अंदर देगी।